नमस्कार प्राइम श्रोतक में स्वागत है आपका। मैं श्वेता गर्ग और आइए रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। सीएम योगी ने आरएस की तारीफ में पड़े कसीदे, बोले देशवासियों को संकट से उबारता है संघ। ओडिशा के सीएम पटनायक ने लोगों से की भावुक अपील, नियम नहीं माने तो लगाना पड़ेगा पूर्ण लॉकडाउन। भक्तों के लिए दिसंबर 2023 तक खुल जाएगा राम मंदिर, 2025 में पूरा होगा काम। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि स्कूली शिक्षा भरेगी नई उड़ान, प्ले स्कूल की तर्ज पर सभी सरकारी विद्यालयों में खुलेगी बाल वाटिका। संसद में पेगासस पर जंग तेज, टीएमसी के 6 सांसद निलंबित, विपक्ष ने गतिरोध के लिए सरकार को ठहराया जिम्मेदार। बाढ़ से मध्य प्रदेश, राजस्थान और बंगाल हुए बेहाल, प्रधानमंत्री मोदी ने संभाला मोर्चा, दिया मदद का भरोसा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए प्रियंका होंगी कांग्रेस का चेहरा, अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। ईडी ने फ्लिपकार्ट को 100 अरब रुपए के जुर्माने की दी चेतावनी, फ्लिपकार्ट पर भारतीय कानूनों के उल्लंघन का है आरोप। पेगासस की सूची में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के अफसरों के नंबर होने का दावा, नीरव मोदी के वकील का भी नाम है शामिल। पांच दलों को प्राप्त कुल राशि से 3 गुना अधिक मिला भाजपा को चंदा, पार्टियों ने चुनाव आयोग को दी जानकारी। दुश्मनों के छूटेंगे पसीने, देश के पहले विमान वाहक पोतर विक्रांत का समुद्र में परीक्षण शुरू, 23,000 करोड़ रुपए की आई लागत से बना है विक्रांत। जम्मू कश्मीर में 2019 से यूएपीए के तहत 2300 मामले हुए दर्ज, अभी भी आधे जेल में है बंद। लद्दाख में दादागिरी दिखा रहे चीन को उसी भाषा में मिलेगा जवाब, साउथ चाइना से सी में युद्धपोत भेजेगा भारत। संक्रमण से उबरे और कोविड शील्ड की दोनों डोज लेने वाले डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा सुरक्षित, आईसीएमआर के अध्ययन में हुआ दावा। पंद्रह अगस्त पर बड़े हमले की फिराक में आतंकवादी, निशाने पर है जम्मू और पंजाब, खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी। आगरा में कूड़ा डालने गई महिला के साथ हादसा, महिला के ऊपर गिरा मिट्टी का टीला, उपचार को ले जाते समय हुई मौत। अलीगढ़ में पूर्व पीएम पर युवक ने की अभद्र टिप्पणी, आरएलडी कार्यकर्ताओं ने दर्ज कराई शिकायत। आजमगढ़ में बावर्ची की चाकू मारकर हत्या, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव, जांच में जुटी पुलिस। फतेहपुर में भारी बारिश से गिरे मिट्टी के मकान, बारिश के बीच रहने को मजबूर परिवार, प्रशासन ने नहीं की कोई मदद। गाजीपुर में बहू ने जमीन विवाद में की थी ससुर की हत्या, बेटियों के साथ मिलकर दिया था घटना को अंजाम, पुलिस ने आरोपी बहू और बेटियों को किया गिरफ्तार।
हमीरपुर में डीएमएसपी ने बाढ़ क्षेत्रों का किया दौरा। नदियों में लगातार बढ़ रहा है जल स्तर। डीएम ने युद्ध पोस्ट पर की तैयारियां। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने बदमाशों को किया गिरफ्तार। कांग्रेस में शामिल हुए पीस पार्टी के नेता अभिनव भार्गव ने थामा कांग्रेस का दामन। अजय कुमार लल्लू ने बीजेपी पर बोला हमला। मैनपुरी में बदमाशों ने महिला का उतारा मौत के घाट। अर्धनग्न अवस्था में पड़ा मिला शव। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। मैनपुरी में दबंगों ने युवक की जमीन पर किया कब्जा। पुलिस मामले में नहीं कर रही है कोई कार्रवाई। मुरादाबाद में पुलिस ने अभियान के तहत शराब की दुकानों में छानबीन। शराब के स्टॉक की हुई छानबीन। शाहजहांपुर में ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पीतल को सोना बताकर करते थे ठगी। पुलिस ने तीन ठगों को किया गिरफ्तार। सुल्तानपुर में अवैध असलों का तस्करी गिरोह बेनकाब। तीन तस्करों को किया गया गिरफ्तार। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने दिया विवादित बयान। अखिलेश यादव को लेकर साधा निशाना। औरैया में स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक ने किया नाम रोशन। कायाकल्प पुरस्कार में पहली बार नाम हुआ दर्ज। औरैया में रडार वाहन से की गई चेकिंग। हाई स्पीड वाहनों के काटे गए चालान। लखनऊ में कैब ड्राइवर का साथ देने बॉलीवुड एक्ट्रेस आई सामने। देश की जनता का प्यार कैब चालक के साथ। लखनऊ की थप्पड़बाज लड़की का एक और वीडियो हुआ वायरल। कैब ड्राइवर को मारा था थप्पड़। सहारनपुर में प्रेमी ने प्रेमिका को मारी गोली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। संभल में यूपी जोड़ो सदस्यता अभियान का आयोजन आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया आयोजन। शाहजहांपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पांच अंतरजातीय शराब तस्कर हुए गिरफ्तार। सोनभद्र में ब्लॉक परिसर में मीटिंग का हुआ आयोजन। प्रधान संघ के अध्यक्ष बने लालता प्रसाद यादव। लखनऊ में फर्जीवाड़ा कर खाने से उड़ाई गई 16 लाख के अधिक की रकम। आरोपी फर्जी यूपीआईडी बना करते थे फर्जीवाड़ा। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। जौनपुर में युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप। बसई नदी में युवक का मिला था शव। युवक की हत्या होने की जताई गई आशंका। लखनऊ में डालीगंज चौराहे के पास देर रात हुआ हादसा। सड़क खराब होने के कारण हुआ था हादसा। पुलिस ने कार अपने कब्जे में लिया। लखनऊ में पुलिस कमिश्नर ने किया आर्दरी रूम का दौरा। कैसरबाग सर्किल के सभी थानों की विवेचनाओं की समीक्षा। पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों को दी नसीहत।
प्रदेश पुलिस को मिले 14 नए आईपीएस। आईपीएस संदीप कुमार मीना की बथरा में हुई तैनाती, आईपीएस कृष्ण कुमार की झांसी में हुए तैनात। मैनपुरी में रिश्वत लेते लेखपाल का वीडियो हुआ वायरल, शिकायत पर उच्च अधिकारियों ने लिया संज्ञान। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, जनता में बीजेपी के खिलाफ भारी नाराजगी, हम 2022 में सत्ता में करेंगे वापसी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के 41 वर्ष बाद पदक जीतने पर सीएम योगी बोले, 5 अगस्त का महत्व और बड़ा। चमोली में 300 मीटर गहरी खाई में गिरा ट्राला, ट्राला ड्राइवर की मौके पर हुई मौत। हरिद्वार में जड़ी बूटी दिवस का किया गया आयोजन, पतंजलि पीठ ने लोगों को वितरित किए पौधे। लक्सर में बहुउद्देशीय शिविर का किया गया आयोजन, ग्रामीणों की तरफ से आई कई शिकायत, एसडीएम ने दिए निस्तारण के निर्देश। लक्सर में एसडीएम ने राशन की दुकान पर मारा छापा, ग्रामीणों की तरफ से मिल रही थी शिकायतें, राशन की दुकान पर तमाम मिली गड़बड़ियां। लक्सर में पत्नी ने करवाई थी पति की हत्या, पुलिस ने मामले की जांच में हत्या का खुलासा किया, करीब 20 दिन पहले लापता हुआ था युवक। नैनीताल में स्कूल खोले जाने के विरोध में याचिका, हाईकोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस, सरकार ने हाईकोर्ट से मांगा जवाब। लालकुआ में दुग्ध उत्पादक सहकारी बोर्ड की बैठक, बोर्ड बैठक में पास किए गए 16 प्रस्ताव। नरेंद्र नगर में महाविद्यालय परिसर में किया गया पौधारोपण, कॉलेज के छात्र करेंगे पौधों की देखरेख। ऋषिकेश में कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर साधा निशाना, अब जनता पर नहीं चलेगा मोदी का मैजिक, सत्ता में फिर वापसी करेगी कांग्रेस। ऋषिकेश में पूर्व सीएम ने छात्रों को किया सम्मानित, मेधावी छात्रों को दी प्रोत्साहन राशि। रोशनाबाद में पुलिस लाइन में किया गया पौधारोपण, एसएसपी और उनकी पत्नी ने किया पौधारोपण, औषधि पौधों का किया गया रोपण। मिशन उत्तराखंड में जुटी कांग्रेस, बैठकों में दिया जा रहा है जीत का मंत्र। अल्मोड़ा में वंदना सिंह ने संभाला डीएम का चार्ज, चार्ज संभालते ही अधिकारियों संग की बैठक। चमोली में युवा सम्मेलन में पहुंचे आप नेता अजय कोठियाल, कहा युवा आज परिवर्तन की कर रहा है मांग, पार्टी प्रदेश में रोजगार के खोलेगी द्वार। लक्सर में प्रतिष्ठित व्यापारी की दुकान पर छापा, कई दिनों से मिल रही थी शिकायतें, टेस्ट के लिए भेजे गए खाद्य पदार्थ के सैंपल। लक्सर में ट्रेन से कटकर युवक की मौत, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। लक्सर में जेके कंपनी के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, कंपनी के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोप।
भारी बारिश से खुली स्मार्ट सिटी की पोल, लोगों की दुकानों में घुस गया पानी, पानी घुसने से लोगों को हुआ नुकसान। पौड़ी में डीएम के अधिकारियों संग बैठक, अधूरे कार्यों को जल्द पूरा करने के दिए गए निर्देश। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत बोले, राज्य के उत्तराखंडियत की रक्षा चुनाव में होगा प्रमुख मुद्दा। अफगानिस्तान में तालिबानी हिंसा जारी, लश्करगढ़ में लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है यूएन। पाकिस्तान में हिंदू धार्मिक स्थल पर हुआ एक और हमला, उन्मादी भीड़ ने तोड़ा मंदिर। ब्रिटेन ने भारत को दी यात्रा प्रतिबंधों में राहत, लाल सूची निकाला बाहर, अब नहीं होना पड़ेगा 10 दिनों के लिए होटल में क्वारंटाइन। एंथोनी फॉसी की चेतावनी, अमेरिका में डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक वेरिएंट दे सकता है दस्तक, मामले होंगे दुगने। कोरोना के नए मामलों से टेंशन में चीन, झांगजियो जेई शहर हुआ सील, सरकार ने लिए एक्शन। अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा के लिए भारत की अध्यक्षता में 6 अगस्त से यूएनएससी की होगी बैठक। अब्दुल क्यूम नियाजी, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बने नए पीएम, भारत जता चुका है विरोध। इंडिया को लेकर तालिबान ने बदली रणनीति, अशरफ गनी का समर्थन न करने की शर्त के साथ दोस्ती के दिए संकेत। न्यूयॉर्क के गवर्नर पर 11 महिलाओं के यौन शोषण का आरोप, बाइडेन ने मांगा इस्तीफा। लेबनान से इजराइल पर जाए हुए रॉकेट अटैक, सेना ने भी दिया तगड़ा जवाब। यूएई में रातों रात करोड़पति बने भारत के सनूप, सुनील लगा 30 करोड़ का जैकपॉट। सैन्य उद्देश्य के लिए चीन ने भारतीय सीमा तक चलाई हाई स्पीड ट्रेन, अरुणाचल प्रदेश से बेहद नजदीक। सीपीईसी परियोजनाओं में हो रही देर, जल्द पूरा कराने के लिए पाकिस्तान ने नियुक्त किया नया प्रमुख। कैपिटल हिल हिंसा में दो और पुलिस अधिकारियों ने की आत्महत्या, अब तक 4 पुलिस अफसर दे चुके हैं जान। अफगानिस्तान में मीडिया पर टूटा तालिबानी कहर, भीषण हिंसा के कारण बंद हुए 51 न्यूज आउटलेट, सैकड़ों ने गवाही नौकरी। डेल्टा वेरिएंट की चपेट में दुनिया के 135 देश, वैश्विक संक्रमण का आंकड़ा 20 करोड़ के पार। बढ़ते मामलों के बाद भी पाकिस्तान में शैक्षणिक संस्थाओं का खुला रखने के लिए लिया गया फैसला। अमेरिकी विदेश मंत्री का तालिबान को साफ संदेश, कहा मौजूदा उल्लंघन के साथ आतंकी संगठन की कोई मांग मंजूरी नहीं।
चेक रिपब्लिक में दो ट्रेन की जबरदस्त भिड़ंत, तीन की मौत के बाद 52 हुए घायल। कोविड के दौरान ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एशियाई लोगों के साथ किया गया भेदभाव। कुमार मंगलम बिरला ने वोडाफोन आइडिया के गौर कार्यकर्ता अध्यक्ष पद छोड़ा। हिमांशु कपानिया को नया कार्यकारी अध्यक्ष किया गया नियुक्त। पश्चिम बंगाल के लाखों किसानों का आवेदन खारिज, गुस्साई महामंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र को लिया खत। भारत पे को मिली सफलता, 2.85 बिलियन डॉलर हुई कंपनी की वैल्यूएशन। टेलीकॉम के लिए बड़ी खबर, केंद्र सरकार टेलीकॉम सेक्टर के लिए तैयार कर रही है बड़ी राहत पैकेज। चालू खाता धारकों को राहत के नए नियम लागू करने के लिए आरबीआई ने जारी की गाइडलाइन। भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रचा, 41 साल बाद हॉकी में जीता मेडल, जर्मनी को 5-4 से हराकर ब्रॉन्ज अपने नाम किया। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद जीता पदक, पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दी टीम इंडिया को बधाई। एमएसके प्रसाद ने किया आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी 17 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान। 17 अक्टूबर से टी20 विश्व कप का घमासान होगा शुरू। भारत और इंग्लैंड पहला टेस्ट 183 पर ऑल आउट हुआ, इंग्लैंड बुमराह के लिए 4 विकेट। क्रिकेट वर्ल्ड कप से बड़ा है ओलंपिक में भारतीय हॉकी का मेडल, बोले वर्ल्ड कप फाइनल के टॉप स्कोरर गौतम गंभीर। शाहरुख खान की पठान में आशुतोष राणा की हुई एंट्री, आशुतोष इस फिल्म में वॉर फिल्म के रॉ ज्वाइंट सेक्रेटरी जैसा निभाएंगे किरदार। कोलकाता में हॉलीवुड फिल्म सुसाइड स्क्वाड का प्रदर्शन के साथ दोबारा खुलेंगे मल्टीप्लेक्स। बेल बॉटम में लारा दत्ता, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल प्ले करती आएंगी नजर, फिल्म में अक्षय निभाएंगे जासूस का किरदार। अपार शक्ति खुराना ने बचपन का प्यार किया रिक्रिएट, गाने को दिए पंजाबी बोल, रिलीज किया वीडियो। अमिताभ स्टारर चेहरे 28 अगस्त को सिनेमाघरों में नहीं होगी रिलीज, डायरेक्टर रूबी जाफरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अनु कपूर, क्रिस्टल डिसूजा, त्रितमन चटर्जी भी निभा रहे हैं मुख्य भूमिका। आज के प्राइम शो तक में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।